Good morning, everybody. How are you getting on? My name is Mr. Jitendra Dubey and I'm from Delhi. I'm your new history teacher. I'll be teaching you ancient history this session. Time to begin, so now we can get down to work. It is second and last lecture of ancient history. If you want to watch all lectures of history and another subject such as history, polity, economy, geography, science, physics, chemistry, biology, mathematics, reasoning, English and Hindi and lots of subjects, then definitely you should follow study channel. Study channels provides all subjects key facts. That's why it is my suggestion for you. You should watch all videos of study channels according to your need and comfortability right now. Then let's begin from here. This is second lecture of ancient Indian history. इंडिया में जितने भी पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन में हिस्ट्री एंसेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं लास्ट के 25-30 सालों में, वो सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर में कन्वर्ट करके यहाँ रख दिया गया है. राइट नाउ ये दो लेक्चर ही एंसेंट हिस्ट्री के लिए सफिशियंट होगा. ओके, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था रुद्र सिंह तृतीय को. रेल सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय. गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह है ताम्रलिप्ति. भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने प्रारंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्र यात्राओं को सुगम बना दिया था. प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है. श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी. श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था. गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से. गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है सुश्रुत को. धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है भास्कराचार्य, यानी कि प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित हैं धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत. हाँ जी, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य है कि प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सत्य शल्य औजारों का उपयोग आम था. पांचवीं सती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था. सातवीं सती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था. चंद्रगुप्त ने के नवरत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था अक्षमृत. कालिदास जिसके शासन काल में थे वह शासक हैं चंद्रगुप्त सेकंड. गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार. गुप्तकालीन रजत मुद्राओं के को नाम दिया गया रूपक. रूपक जो था वो सिल्वर कॉइन थे रजत मुद्रा, और दीनार जो था वो गोल्ड कॉइन थी सोने का बना हुआ. वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त प्रथम था. गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा. एंड सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण से. गुप्त संवत की स्थापना की चंद्रगुप्त प्रथम ने. हाँ जी, अशोक प्रियदर्शन के नाम से जाने जाते हैं. समुद्रगुप्त परक्रमांक के नाम से चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य कहा जाता था, और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा जाता था. ओके, नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की. मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंश ने. प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त. गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठवां भाग. हिंदूविद द्वारा मान्य कर था उपज का छठा भाग. गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को. प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे अविदक भागम. तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु. तोरमार था हूण जनजातीय दल का. हूण शासक मेहरकुल को पराजित किया था बलादित्य एवं यशोधर्मन ने. विशाखादित्य के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिषंधियों के बारे में. गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे. उनका वह प्रशासन विकेंद्रीकृत था. उन्होंने भूविधान की परंपरा को विस्तारित किया. शतरंज का खेल उद्भूत यानी ओरिजिनेट हुआ था भारत में. शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम का था. प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का. भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन है. सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक. योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, अनुस्मृति,
प्रत्याहार ध्यान तथा धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंश है, अष्टांग योग के अंश है प्रत्याहार ध्यान और धारणा। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समय असम सामयिक थे, पुष्यमित्र संघ के नव्य न्याय संप्रदाय यानी नव्य न्याय स्कूल के संस्थापक थे गंगेश। चारवाकों के बारे में कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता, पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति है चारवाकों की। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी, कर्म का सिद्धांत संबंधित थे मीमांसा से। शांक्य वैशेषिक मीमांसा न्याय योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शास्त्र सत्य है मीमांसा का। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक जो भारतीय दर्शन का खड़ दर्शन का भाग नहीं है लोकायत और कापालिक, यानी कि भारतीय खड़ दर्शन के भाग हैं मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। अंडरस्टैंड। अष्टांग दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। ज्ञान कर्म भक्ति योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। शंकराचार्य अभिनवगुप्त रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के से संबंध नहीं है अभिनवगुप्त का, जबकि वेदांत दर्शन से संबंध है शंकराचार्य रामानुज और माधव का। क्या संवत्सर और गणना अवधि, विक्रम संवत्सर 58 कहीं के 57 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर होगा। अशोक संवत्सर 78 ईस्वी, गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी, कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। विक्रम संवत्सर 58-57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत्सर 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, गुप्त काल 319 से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ। पुलकेशिन सेकंड का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया है, इसका तुल्य वर्ष होगा 634। ओके, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था, मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। हरिशेर कल्हण एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं नहीं थे कल्हण। राइट, हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी वाणभट्ट ने, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने दोहान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। यूपी में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती गमन को रोका पुलकेशिन सेकंड ने। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन सेकंड ने। कविवान निवासी था प्रतीकुटा औरंगाबाद का। वेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में। भारत की यात्रा करने वाली चीनी यात्रा यात्री युआन च्वांग या वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्निजल एवं विष द्वारा सत्यापित किया जाना, सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति के निर्दोषित अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। वेनचांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। चीनी यात्री वेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है शियुकी की रचना। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वेनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 671-672 ईस्वी में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं यिंतु नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। नालंदा स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारी केंद्र था कन्नौज। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषि संरचना की प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं भूमि के नियंत्रण तथा स्थायित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामीदास संबंध बनना। देखिए, चीनी तीर्थयात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। 8वीं शताब्दी के अंत तक शंकराचार्य के बारे में सही है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चार धाम स्थापित किए।
उन्होंने वेदांत का प्रचार किया, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदिशंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ स्थित हैं, जोशी मठ उत्तराखंड, द्वारका गुजरात, पुरी ओडिशा और श्रृंगेरी कर्नाटक में। रविकीर्ति पुलकेशिन सेकंड से जुड़े हुए हैं, भवभूति कन्नौज के यशोवर्धन से, हरिशेन समुद्रगुप्त से और दंडी नरसिंह वर्मन से। दरबारी कवि और राजा है, जैसे अमीर खुसरूर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के, हरिशेन समुद्रगुप्त एंड बाणभट्ट हर्षवर्धन। भोज जो थे वो धार से थे, दुर्गावती गोंडवाना की। समुद्रगुप्त प्रांतीय शासक था विदिशा का और अशोक प्रांतीय शासक था उज्जैन का। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बना है, चंदेलों ने बनवाया। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म और जैन धर्म से। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। कंदरिया महादेव 64 योगिनी दशावतार था चित्रगुप्त में से। वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है दशावतार, यानी कि खजुराहो में मंदिर जो है वो है कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर और चित्रगुप्त के हैं। खजुराहो के मंदिर भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप, मांडू का महल में से। वह जो शिव धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है वो मांडू का महल नहीं है, जबकि खजुराहो के मंदिर भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप हैं। मित्रगांव मंदिर ग्वालियर का तेली मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर था तथा ओसिया मंदिर में से। वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है ग्वालियर के तेली मंदिर का। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं कन्हेरी के अंदर में। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर मार्बल से। भावनगर माउंट आबू नासिक तथा उज्जैन नगरों में से। वह जिसके निकट पालीदाना मंदिर अवस्थित है भावनगर में। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, शैव धर्म एवं बौद्ध। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता भाजा एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्र अंकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है बाघ गुफाओं में। एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित हैं हिंदू बौद्ध जैन से। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं बौद्धों और जैनों के। बौद्ध हिंदू जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में महाराष्ट्र। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं नासिक, एलोरा और अजंता में। एलिफेंटा नालंदा अजंता एंड खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया राष्ट्रकूटों ने। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था राष्ट्रकूट वंश ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णा माफस ने। राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गुप्त मंदिर और स्थान, जैसे ईंट निर्मित मंदिर जो है वो भीतरगांव में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। शिव मंदिर भूमरा में है और विष्णु मंदिर एरण में। भारतीय विशिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य है कि भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। अजंता की कला को प्रश्रय यानी सहायता दिया वाकाटक ने। अजंता की गुफाएं रामायण महाभारत जातक कथाएं एवं पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित हैं जातक कथाओं से। भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है अजंता की गुफा एवं लेपाक्षी मंदिर को। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में जो तथ्य समान है वह है दोनों में शैलाकृत स्मारक हैं। हम्पी कर्नाटका में है। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ ओडिशा में एवं अरुकावेड़ पुडुचेरी में। पुदुचेरी कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। काला यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर अवस्थित है गुजरात में। लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर ओडिशा में। ओडिशा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे लंबा मंदिर है लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर स्थित है ओडिशा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित हैं नागर शैली में। विष्णु को समर्पित अंकुरवाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में। बोरबदूर स्तूप स्थित है जावा में। अंकुरवाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया पल्लवों द्वारा।
महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और धनराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है द्रौपदी रथ इनमें से। स्थान और स्मारक, एलिफेंटा में गुफाएं हैं, श्रवण बेलगोला में मूर्तियां हैं, खजुराहो में मंदिर और सांची में स्तूप। ऐतिहासिक स्थल और राज्य, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, सोर टेम्पल तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटका एंड मानस असम में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, गुडो ने बनवाया, मीनाक्षी मंदिर पांडियों ने, खजुराहो मंदिर चंदेल ने और महाबलीपुरम के मंदिर पल्लवों ने। बैजनाथ धाम शिव मंदिर है, सारनाथ में बुद्ध की शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, दिलवाड़ा में जैन मंदिर और बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर है। सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में, हवा महल जयपुर राजस्थान, गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटका। नालंदा विश्वविद्यालय है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, सांची में स्तूप और कोणार्क में सूर्य मंदिर है। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच। शोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है दतिया के सन्निकट। शोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में अमरावती पर्वत पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। नागर, द्रविड़ और बेशर हैं भारतीय मंदिर वस्तु की तीन मुख्य शैलियां। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है मंदिर की शैली। प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। विश्व विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थल जैसे अजंता के बारे में, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर अनेक अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं अजंता में। वहीं उदयगिरी में क्या है, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु की वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उभारते दर्शाए गए हैं उदयगिरी गुफा में। वहीं मामल्लपुरम में विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण है। भारत के कला और पुरातत्व के इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक तथा देवगिरी स्थित वराह मूर्ति में से वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया धौली स्थित शैलकृत हाथी का। ओके, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया जिसमें हम चार को देखेंगे, चोलों को, फिर चालुक्यों को, देन पल्लव, देन संगमयुग। ओके, नवीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई विजयालय के द्वारा। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे चोल शासक के काल में निर्मित हुआ वह था राजराज प्रथम। चोलों का राज्य फैला था कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक। कावेरी पत्तनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी थी तंजौर में। देखिए, चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें तम ग्राम प्रशासन था चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे हैं उत्तर मेरूर। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टुटवारियों। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज को। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं। लेकिन शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में, एज अ टीचर। 72 व्यापारी चीन भेजे गए कुलोत्तुंग फर्स्ट के कार्यकाल में। चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। इट इज सेकेंड एंड लास्ट लेक्चर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। राइट नाउ इफ यू वांट टू वॉच ऑल लेक्चर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, नॉट ओनली एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑल अनदर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी एंड सो ऑन, लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स की फैक्ट्स। इफ यू वॉन्ट टू वॉच देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द स्टडी चैनल। स्टडी चैनल, दिस टू वर्ड्स ओनली, स्टडी चैनल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट quality rich materials. If you want to watch, then definitely you will get profit. In Hindi, pahle istemal kare, then viswas kare. That's why I'm saying that first of all, you should watch some videos of these channels. And thereafter, you will feel that it's really good and rich material here. Let's go from here.
चालुक्य चोल कदंब एवं कलचुरी राजवंशों में से हुआ, जिसके शासन शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, चोल थे। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह था राजेंद्र प्रथम। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने, वह चोल शासक जिसे चोल गंगम नामक अवृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र प्रथम को। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी राजराज प्रथम। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की राजराज प्रथम। चोल राजाओं में वह जिसने सिलोन श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त की राजेंद्र प्रथम। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमारी राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया वो थे कुलोत्तुंग प्रथम। एरीपत्ति का मतलब क्या हुआ? एरीपत्ति यानी भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, राइट। ये एरीपत्ति मतलब होगा भूमि, उसको डिफाइन किया गया है। और तनी यूर क्या था? स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कर कुर्रम गठित करना तनियूर था। घटिका के बारे में देखिए, प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध जो विद्यालय होते थे उन्हें घटिका कहा जाता था। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था, ये थे तगर। तगर चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन सेकेंड। चोल चालुक्य पल्लव तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे चालुक्य। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी या बादामी। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन सेकंड के अहोल अभिलेख में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवनप्रिय शब्द द्योतक था काली मिर्च का। संगम साहित्य में तोलकापियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। शिलपदिकारम का लेखक था इलंगो आदिगल। हाँ देखिए, तिरुक्कुरल दर्शन है इसमें, तोलकापियम में व्याकरण है, ग्रामर। शिलपदिकारम में प्रेम कथा है लाइक लव स्टोरी। शिलपदिकारम एंड मणिमेकलय में वणिक कथा है, वणिक कथा मणिमेकलय। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है अरिकामेडु पुरास्थल की खुदाई से। अरिकामेडु ताम्रलिप्ति कोरके था बार बेरिकम में से वह बंदरगाह जो पोरके नाम से दिपैरिप्लेश ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था अरिकामेडु। रोमन बस्ती प्राप्त हुई है अरिकामेडु से। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हाथेदार जार। कदम्ब चेर चोल तथा पांडे राजवंशों में वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है कदम्बों का। कदम्बों का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है जबकि हुआ है उल्लेख चेर चोल पांडे राजवंशों का। चेरचोल पल्लव था पांडे में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, पल्लव नहीं थे, जबकि संगम युग के राजवंश थे चेर चोल और पांड्य। अंडरस्टैंड? ओके। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है तमिल भाषा तमिल लैंग्वेज में। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुरल है। तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक कंबन है। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी सितर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के जो लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्नचिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। गुप्त देवगढ़ में थे, चंदेल खजुराहो, चालुक्य बादामी और पल्लव पनमलय। चतुर्वेदी मंगलम परिषद अष्ट दिग्गज तथा मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था वो था मणिग्रामम। व्यापारियों का निगम था कॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेसमैन मणिग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया मलिक काफूर ने। ओके। संगम युग में उरैयूर विख्यात था श्रुति वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी वेंगी नदी। संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित है नवरातोंडी मुशरियन नेलसंडा। संगम कालीन साहित्य में कौन वो मन्ना ने प्रयुक्त होते हैं राजा यानी किंग को कौन भी बोला जाता था वो भी और मन्नन के नाम से इंडिकेट करते थे। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन हुआ प्रथम का मदुरई और तृतीय का भी मदुरई में जबकि द्वितीय का कपाटपुर में अलयवाई में। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया उन्हें आर्य बनाया अगस्त्य। चालुक्य बादामी के कांचीपुरम के पल्लव कन्नौज के हर्ष और मदुरई के पांड्य। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है मतवालीन। चालुक्य राजपूत गुप्त एवं मौर्य।
मौर्य में से वो राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया, चालुक्यों ने शासन नहीं किया, ये साउथ इंडिया के थे। कदंब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा, पांड्य। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में, महाकाल मंदिर उज्जैन में और बेलूर मठ हावड़ा में है। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार एंशिएंट लिटरेचर एंड एक्सपर्ट्स ऑफ लिट बुक्स, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों से संबंधित है हेरोडोटस से। मुद्राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी, अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत एवं मुद्राक्षस। ओके, दस कुमार चैतन्य के रचनाकार थे दंडिन। कुमार शंभव महाकाव्य लिखा कालिदास ने। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार शंभव तथा जानकी हरण में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा, नहीं जानकी हरण नहीं लिखा, जबकि लिखा किसको किसको, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार शंभव के लेखक हैं कालिदास। बुक और उसके राइटर, पाणिनी ने लिखा अष्टाध्यायी, कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन, अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी संबंधित कश्मीर के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनी के द्वारा, लेखक और रचनाएं किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी, नागानंद के लेखक हैं हर्ष। मालविकाग्निमित्रम रिटन बाई कालिदास एंड कर्पूर मंजरी रिटन बाई राजशेखर। संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है, नैषधीय चरित्र, किरातार्जुनीयम एवं शिशुपाल वध। विशाख दत्त जो थे ये नाटककार थे, ड्रामेटिस्ट, वराहमिहिर खगोल विज्ञानी, चरक चिकित्सक डॉक्टर थे, ब्रह्मगुप्त गणित मैथमेटिशियन थे। चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है चिकित्सा से। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। कालिदास रघुवंश के लेखक हैं। स्वप्नवासव दत्तम को लिखा भास ने, कादम्बरी के भानुभट्ट और रत्नावली रिटन बाई हर्ष। मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो जिस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है वह है मिनेंदर। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में, वह भिक्षु थे नागसेन। वह स्रोत जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है मिलिंद पन्हो, दरबारी कवि और राजा, जैसे कि जो अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हैं, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि हैं, हरिशयन चंद्र समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि। नेक्स्ट, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक था जयसिंह। कल्हण की राजतरंगिणी में कुल तरंग हैं 8। कल्हण की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया जोनराज एवं श्रीवर ने। सौंदरानंद रचना है अश्वकोश की। नागानंद रत्नावली एवं प्रदर्शिका के लेखक हैं हर्षवर्धन। अमरकोश सिद्धांतमणि एवं बृहत संहिता तथा अष्टांग हृदय में से वह जो विश्वकोशीय ग्रंथ है वह है बृहत संहिता। मृक्ष कटिकम किताब है और इधर है लेखक। मृक्ष कटिकम रिटन बाई शुद्रक, बुद्ध चरित रिटन बाई अश्वघोष एंड मुद्रा राक्षस रिटन बाई विशाख दत्त, हर्षचरित रिटन बाई वाणभट्ट ग्रंथकार और मूल ग्रंथ। वृहद संहिता के लेखक हैं वराहमिहिर, देवी चंद्र गुप्तम रिटन बाई विशाख दत्त, मृक्ष कटिकम के लेखक शुद्रक एंड विक्रमांक देवचरितम रिटन बाई उबिलहण। कर्पूर मंजरी लेखक हैं राजशेखर, मालविकाग्निमित्रम लेखक कालिदास, मुद्रा राक्षस लेखक विशाख दत्त और सौंदरानंद लेखक अश्वघोष। ओके, हाँ, शाकुंतलम लिखा है कालिदास ने। वृक्ष कटिकम, मेघदूतम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम में से कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है वृक्ष कटिकम या कालिदास के बुक है मेघदूतम, ऋतु संहार और विक्रमोर्वशीयम, तीनों के लेखक हैं कालिदास। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था अग्निमित्र। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, लव स्टोरी, दैट इज कॉल्ड मालविकाग्निमित्रम। स्वप्नवासम दत्ता के लेखक हैं भाष। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे और लक्ष्मण सेन की सभा को। अष्टांग संग्रह ये आयुर्विज्ञान विषय है। दश रूपक में नाट्य कला है, लीलावती गणित की बुक है और महावाश्य व्याकरण। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह वाक्य जिस ग्रंथ में है वह है गीता। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कहा गया महाभारत में।
प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ वह है पंचतंत्र। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा। शर्व वर्मा ने कातंत्र लिखा, मृक्षकटिकम को शूद्रक ने लिखा, मिताक्षरा को विज्ञानेश्वर ने और राजसंगणी को कर्ण ने लिखा। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर तथा लल्ल मेश्य हुआ जो बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है अभास्कर। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। आर्यभट्ट थे एक भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट ने। मध्य विलास प्रहसन का लेखक था महेंद्र वर्मन। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से। ओके, आई एम हियर फोर्थ एंड आई थिंक सेकंड लास्ट पेज फॉर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द सेकंड लेक्चर। भारत का प्रथम विधि निर्माता कानून बनाने वाला माना जाता है मनु को। शून्य का आविष्कार किया किसी अज्ञात भारतीय ने। लाइफ ऑफ हुएनसियांग रिटन बाय हुइली। द नेचुरल हिस्ट्री रिटन बाय प्लिनी। हिस्टोरियल फिलिपिकल रिटन बाय पॉम्पेय स्ट्रैबो। द हिस्ट्री इज रिटन बाय हेरोडोटस। हेरोडोटस सितार वीणा शरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। In 400 years, history of 400 years, 800 to 1200 Anno Domini AD, that is called Purva Madhyakal. Prithviraj Chauhan ke naam se prasiddh hai Prithviraj Tritiya. Tamrapatra lekh darshate hain ki prachin kaal mein Bihar ke rajaon ka sampark tha Java aur Sumatra. Aaj jo Indonesia ke islands hain Java and Sumatra. Govind Chand Garhwal ki ek rani Kumar Devi ne Dharmachakra Jain Vihar manwaya tha Sharnath mein Varanasi Uttar Pradesh. हमीर महाकाव्य के जो में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। आला उदल संबंधित थे महोवाशी जो कि बुंदेलखंड एरिया में पड़ता है यूपी एमपी का बॉर्डर। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक। हमीर रासो के लेखक हैं शारंगदेव। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई। आलाखंड जगनिक की है और विशाल देव रासो के लेखक हैं नरपतिनाल। राजपूत वंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी देहली शहर की स्थापना की तोमर वंश। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम है बुंदेलखंड। आज जो बुंदेलखंड बोलते हो उसको पहले जेजाक भुक्ति बोला जाता था। पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित है उत्तरी बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है बिहार में। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी दंती दुर्ग ने। हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। ओके यस, अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। महान प्रतिहार राजा मिहिरभोज। महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे कुमारपाल की सभा को। धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन तथा लक्ष्मण सेन में से वह जिसे एक नया समूह चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था सेनों के द्वारा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जीमूतवाहन। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर संबंधित थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से। प्रतिहार कन्नौज के, तंजौर के चोल, धारा के परमार और अनिलवाड़ के सोलंकी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट प्रथम ने। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल में से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था चोल, जबकि त्रिकोणात्मक संघर्ष के में इन्वॉल्व जो राजवंश थे वो थे प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। महोदया पुराना नाम है कन्नौज का, दूसरा नाम महोदया है। नगर महोदया श्री के नाम से जाना जाता है कन्नौज। कन्नौज के तीन नाम, कन्नौज बोली या महोदया या नगर महोदया श्री। चामुंड राय, जय सिंह, सिद्धराज, कुमार पाल एंड महिपाल में से वह जिसने खंभात में तोड़ी गई मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक मदद सहायता प्रदान की थी वो थे जय सिंह सिद्धराज ने। राजा भोज ने शासन किया धार पर। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। गौड़भो के रचयिता हैं वाकपति। प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र जैसे बोधगया बिहार में है, खजुराहो बुंदेलखंड यूपी एमपी बॉर्डर, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द एक इस्तेमाल होता था अरघट्टा। अरघट्टा का मतलब क्या हुआ? भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील को अरघट्टा कहते हैं। Then I think I have successfully completed second and last lecture of ancient history, and definitely if you want to watch all two lectures of ancient Indian history and lots of subjects, key facts, then definitely you should go on study channels. All right, then thanks for watching this video. Please like, subscribe and share my study channels and videos.
थैंक्स अलॉट इन एडवांस फॉर दिस. थैंक यू.